देखिए, रहे ये हैं। 60-40 कहाँ से हो रहा है, क्योंकि ऐसी कोई दस्तावेज़ मेरे पास आई नहीं है। और अब अगर सरकार के तरफ से अगर इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, तो मेरे जब तक मेरे संज्ञान में ये नहीं आएगी, सबसे पहली चीज़ तो है, आज शून्यकाल के माध्यम से भी देखिए, हमने आज ये मांगा है कि कम से कम उन 90% यहाँ के लोकल लोगों को मौका मिलना चाहिए, झारखंड के भावनाओं के अनुरूप, यहाँ के युवाओं के अनुरूप, युवाओं का भावनाओं को देखते हुए। और वैसे भी झारखंड में हमेशा युवाओं को 4-5 साल से जो जितना झेलना पड़ा है, जितना यातनाएं झेलनी पड़ी है, उनके माता पिता इतना पढ़ा लिखा के, उनको मेहनत करके, इतना खर्च करके, वो भी पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, और जब आखिरी समय आता है, जब कुछ बनने का समय आता है, जब वो कोई किसी कॉम्पिटिशन का तैयारी करके वो एग्ज़ाम दे देते हैं या एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा मुसीबत आ जाता है। तो हम लोग, राज्य का विकास इस तरह से तो कभी नहीं हो पाएगा, राज्य रुक जाएगा, उसका विकास का गति रुक जाएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है सरकार इसमें गंभीर है, और अभी नियोजन नीति, हमें जो सूचना है कि बहुत जल्दी नियोजन नीति सबके बीच में लाया जाएगा, और युवाओं के भावनाओं के अनुरूप ही लाने का कोशिश किया जा रहा है, इसलिए सर्वे कराया जा रहा है। और ये जो परसेंटेज का बात है, तो मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि कितना परसेंटेज झारखंड के युवाओं को मौका मिलने वाला है, तो इसी वजह से आज मैं अपने प्रश्न के माध्यम से 90% यहाँ के युवाओं, झारखंड के युवाओं को मौका मिले, उसके लिए मेरा अनुरोध विधानसभा में था। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाए इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very, very happy new year.